टाइम हो रहा है सुबह के 10:30। जीजू 8 बजे तैयार है ना, निकल जाएंगे। और भाई साहब पोहे खा रहे हैं बैठे हुए, साबूदाना। और ये देखो यहाँ पोहे। मैं 8:15 बजे का तैयार बैठा हूँ भैया, जो 12 बजे उठते हैं जल्दी उठ गए थे होके। पर तुम लोग जाने को तैयार नहीं हो रहे, क्यों भैया? वो कहा है तीसरा? हाँ ये देखो, ये ऐसे बैठी है, स्विमिंग अभी स्विमिंग पूल में घुस जाएगी है ना। क्या हाँ, इसने मेरे को 8 बजे उठाया है। कहाँ उसको बुलाया? चले लेट हो रहे, 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से बेटा। 10:30 हुए हैं, अगर तुम लोग 2 बजे मेरे निकल गए ना, मेरे को बता देना। चलो ओके भाई, बाय। टाइम से निकल जाना तुम। उमर कितने बजे आएगा? 3 बजे। सारे बॉम्बे के रास्ते पता है और लोकेशन दबा देगा उन्हें बेटा, मम्मी को पता रख लोकेशन डाल देगा ना उसमें, जू वगैरह सारा ढूंढ लेंगे, किंग रोड सब जो दशमेश दरबार। हाँ चलो, हम अपना एंजॉय करके आएंगे, आप लोग अपना एंजॉय करके आओ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके? ठीक हो? बढ़िया हो? बस बढ़िया रहो। आज फिर एक नए दिन की शुरुआत सनी बाजी के साथ। तो बच्चों रेडियो फिर तैयारी हो दिमाग में जाने के लिए? पूरी पूरी। तो जहां के पेपर कल खत्म हो गए, तो भैया ने आज प्लान बनाया कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे? वाटर पार्क हम जा रहे हैं, बेटा एंजॉय वाटर पार्क जो है लोनावला। घर से 60 किलोमीटर होगा है ना, तो आज तो सही एंजॉय करने वाले हैं। दूसरी गाड़ी हमारी आगे चल रही है, तो 2 गाड़ियां भर के जा रही है। मम्मी पापा और सिमरन की मम्मी और चाची जो है वो नहीं आए, वो कहते हैं हम वाटर पार्क में क्या करेंगे, हम लोग बॉम्बे घूमने जाएंगे, जू बीच वगैरह। मैं कहा जाओ, फिर उमर को बुला लिया था, वो उनके साथ चले जाएंगे, हम अपना जा रहे हैं। तो फिर मजा होने वाला भैया, क्योंकि भैया तो अभी गोवा के मतलब मूड से बाहर आए नहीं पूरा। क्यों? स्विमिंग पूल जिए भैया को। तो मैं कहा हमारे भी 2 दिन बड़े, अभी परसों चले जाएंगे, तो आज चलो वाटर पार्क चलते हैं, एंजॉय करके आएंगे। कल सिमरन का बर्थडे, फिर कहाँ मनाना है? हाँ वो कल की कल देखेंगे ना। बच्चों को ये बता, इश्ना की छुट्टी भी थी इसलिए प्रोग्राम आज बना। गुड फ्राइडे भी है ना, बढ़िया। नहीं अब पूरा एंजॉय करके आएंगे मजेदार से, एकदम नहीं है पढ़ने वाले, बाकी सब फ्री हो। ये बनेगी ना, ये नहीं फिर क्या बनेगी, देखेंगे। तो अभी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम, तो बड़ा मजा आ रहा है। आधा पौना घंटा हमको भी और लगेगा पहुंचने में। तो मन में ना एक बात आ रही थी कि हम लोग इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को कैमरे के आगे लेके आना हर एक के बस का बात नहीं है, और डेली कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना भी आसान नहीं है। क्यों भैया? तो मेरे को MSK की एक बात याद आ गई थी कि इतनी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आजकल लोग व्यूज़ नहीं दे रहे, वीडियोज़ देख नहीं रहे, रीज़न समझ नहीं आता। पर मुझे ये लगता है कि लोगों को ना आजकल चाहिए कि जो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं या जो झूठ फरेब दिखाते हैं, एक की चीज 10 बढ़ा के बोलते हैं, वो कंटेंट लोगों को ज़्यादा देखने में मज़ा आता है। क्यों? रियलिटी दिखाओ और जेन्युइन चीज़ दिखाओ ना, वो पसंद नहीं आता। तो मेरे साथ भी शायद वही हो रहा है जो MSK के साथ हो रहा है या JS1 के साथ हो रहा है, वही मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि एकदम रियलिटी दिखाते हैं, हमारे व्यूज़ एकदम से ड्रॉप हो गए हैं। तो झूठ तो हम दिखा सकते नहीं, तो हम तो बोलेंगे अगर जेन्युइन चीज़ देखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्यों भैया? या आप बताओ कमेंट करके, हम भी झूठ दिखाना शुरू कर दें कि छोटी चीज़ को बहुत बड़ा हाइप करके दिखाएं, तो वो करें, या छोटी छोटी चीज़ों ना बड़ी करके दिखाएं, झूठ फरेब जितना दिखाएंगे, मसाला मक्खन जितना दिखाएंगे, वो आपको अच्छा लगता है तो हम वो भी करेंगे। क्यों भैया? ये बात मेरे को याद है, क्यों कहा था 1-2 महीने पहले MSK नहीं बोले थी सेम जी है ना, कि लोगों को पता नहीं आजकल क्या होता जा रहा है, सच्चाई अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आती, बड़ा बड़ा झूठा कैप्शन कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मेरी गाड़ी ठुक गई, अरे क्या यार। एक आप कितनी बाइक देख लोगे कि मैं आज ये बाइक ले आया, मैं आज ये गाड़ी ले आया, मेरी आज गाड़ी में मैंने ये करवा दिया, मैंने वो करवा दिया। तो भाई साहब एक गाड़ी को आप कितनी बार चेंज कराओगे, या आप किराए की बाइक लाते हो या क्या लाते हो, कितनी राइड पे चले जाओगे ये भी बताओ। तो जेन्युइन चीज़ देखो, जेन्युइन चीज़ देखने में अच्छा लगता है, ये झूठी चीज़ें हाइप करके कैप्शन कुछ भी डाल दो, वो चीज़ें मज़ा थोड़ना आती है। पर हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई झूठा कैप्शन नहीं, कोई झूठा नहीं कि आज मेरा बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया, आज मेरा बहुत बड़ा ये हो गया। देखा जाए 1000 रुपये की चीज़ टूटती है तो दिखाते हैं कि 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया, क्यों ऐसे ही होता है आजकल। तो कोई नहीं, जैसा जैसे जिसकी सोच, देखने वाले की भी और बनाने वाले की भी। पर हम वादा करते हैं हम कभी झूठा नहीं दिखाएंगे, जो भी होगा एकदम सच, एकदम रियल चीज़ दिखाएंगे, कोई फेक कंटेंट नहीं, कोई फेक कुछ नहीं। किसी को पसंद आएगा देखे, नहीं पसंद आएगा मत देखे, हम तो अपनी मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। हमारा यूट्यूब से कोई बिजनेस नहीं चल रहा, ना हमारी रोजी रोटी यूट्यूब से चल रही है, ना हमको शौक है। भगवान ने बहुत दिया है, बहुत काम दिया है, हम वो काम करते हैं, ये तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग ये चैनल चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस ठीक है, मज़े हमको भी आ रहे हैं, आप भी मज़े लो भाई। इतनी बात मन में थी, मैं कहा चलो एक बार आपको बता दें।
बारे में कोई बताओ। सुबह सुबह बड़ा पाव मिल गया कमाल, पर भाभी इसका मिर्ची और वो कहे ऐसे मजा क्या आएगा, खाने का चटनी भी नहीं है यार। बताओ वही तो बात है, आज हम देसी खा रहे हैं बर्गर, देसी बर्गर मतलब बड़ा पाव, सही है ना भैया? ₹10 का जमाने बैठा है, 20 रुपए का, 25 रुपए का बड़ा। चलो 20 रुपए का भी अच्छा है, मैकडॉनल्ड को जाओगे भैया 200-250 का बर्गर खाओगे, 20 रुपए का ये खाओ ना, मैकडॉनल्ड बर्गर ये ज्यादा बढ़िया है। बॉम्बे का बड़ा पाव थोड़ा बीट कर सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब वहाँ 250 का बर्गर खाते हो यार, 20 रुपए का बर्गर खाओ ना, इंडियन बर्गर अपना। आजकल बड़ा पाव वैसे, आजकल बड़ा पाव वैसे बड़ा फेमस हुआ हुआ दिल्ली का, दिल्ली का नहीं, बॉम्बे को भी छोड़ दे, दिल्ली का बड़ा पाव। बॉम्बे ना आज लोनावला या कहीं आगे घूमने निकल रहा है, ट्रैफिक देखो एक्सप्रेस वे पे क्या हाल है ना भैया, एक्सप्रेसवे का ये हाल है, तो लोकल रोड का क्या हाल होता है ये नहीं पता। ये तो बेचारे कितने घंटों से खड़े हैं, ये तो बहुत देर से खड़े हैं, पूरा जाम लगा हुआ है, दोनों साइड फुल ट्रैफिक है। देखो तो भाई साहब, ये हम लोग आ गए वेट एंजॉय में, यहाँ पूरा एंजॉय करेंगे। क्यों आप तो पूरा कॉस्ट्यूम रेडी पहन के आए हो, तू बच के रही हो, स्ट्रोक विस्ट्रोक पानी वानी पूरा पीता रही हो? पीता हाँ, फिर देखो स्ट्रोक आज ही आ जाता है। मैं कहाँ से आऊंगा भैया, मैं यहाँ से। चलो बढ़िया, वाह भाई। ओए टिकट ली जा रही है, सामान आ गया सबका, सरेंडर कर लिया। नहीं आओगे आप, बैठो बाहर फिर। ये देखो क्या खाते रहते ये लोग, गिर गया क्या, ये दिखाओ है क्या, ये इलायची है। ले भाई बाकी सब लोग तो अंदर चले गए, हमारे साथ क्या हुआ, मैंने पेमेंट करी है वहाँ पे अपना UPI से, पेमेंट फेल हो गई पर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, तो वो वेरीफाई करवा रहे थे, दोबारा पेमेंट करके आया हूँ, तो वो तो वापस आई जाएंगे 2-4 दिन में, कोई दिक्कत है नहीं भैया। क्यों, 24 घंटे में आ जाते, बैंक में भी कंप्लेंट कर दी है मैंने, पर आ जाएंगे, पर 7,000 रुपये का अमाउंट है, छोड़ भी नहीं सकते ना ऐसे थे, पर सब चले गए। पर वाटर पार्क काफ़ी बड़ा और अच्छा लग रहा है, बाकी तो अंदर जाके देखते हैं। भैया अपने काम पे गए, उधर लगे हुए। ओए मस्ती मत करो, ठंडा पानी है। क्या बात कर रहे हैं, करोगे ना? चलो आलो, we'll be right back.
भैया फुल मस्ती में है। हम स्लाइड करके आ रहे हैं, ठीक है भैया। मजा आया है ना, एकदम मजेदार। उन्नति का क्या हाल है? मजा आया, मजा आया। हम तो ग्रीन में आए थे, ग्रीन सही थी। वो रेड वाली पे जाएंगे, ऊंची वाली पे मजा आएगा, है ना? चलो, है ना? नहीं रेड पे यार, वो बंद है, बंद में कोई जमती नहीं। वो रेड वाली पे जाएंगे, रेड में मजा भी आएगा, है ना? रेड पे चलते हैं। बैठ जा, हाथ खोल दिया, अबे हाथ छिल लेंगे, हाथ खोल दिया। तो प्रॉब्लम क्या है, साइड फ्लाइट से लाइन बहुत ज़्यादा है, तो एक एक घंटा नंबर आने में लग रहा है, इसलिए हम फ्लाइट पूरी कर ही नहीं पा रहे यार, क्या करें अब।
चलिए टूट पड़ो। वाओ कमाल पिज्जा आ गया है ना। सुबह से भैया कुछ भी नहीं खाया, भूख इतनी जोर से लगी थी, अब कुछ खाएंगे पहले। जाना चाहता नहीं हूँ पर मेरे को लेके जाया जा रहा है। ये वीडियो प्रूफ होगा, अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेवारी ये बंदा होगा। शक्ल देख ले, मैं तो लेके भी नहीं जा रहा, जबरदस्ती लेके जा रहा है। मैंने मना किया है, मेरे को नहीं जाना। अभी चले जाओ। आप जाओगे? सोच ले, इतनी छोटी सी स्लाइड है, बच्चे आ रहे हैं नीचे, मेरे को डर लगता है ना, मैं क्या करूँ। ठीक है ना, देख लो इसकी शक्ल वांटेड की। गुरु जी जाएगा? मैं साथ कौन जाएगा? आपके साथ अभी देगा। हैं? किसी को भेजे? निशान बेचारा अकेला जाएगा। किस जाएगा? गुरु साहब कोई आंटी बिठा दे। आप भी स्टार हो यार, आप जिसपे हाथ रखो हो जाएगा। ये बात भी सही है। बोलो किस पे जाना है? थक गए यार। चलो बाय 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 बाय। चलो 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 रेडी। गया बहुत लगता है, बहुत लगता है गया। ओए 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 ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट ओ शिट। मतलब 2 मिनट तक गुरु को यहाँ पर लटकना है, हाथ भी नहीं हिलना चाहिए, उंगली भी नहीं हिलनी चाहिए। गुरु चैलेंज है। दो भाई साहब लाउड है, हाथ चलाना बिल्कुल लाउड नहीं। क्या कहते हो, कर पाएगा आपका पति? नहीं नहीं कर पाएगा। तो टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पर। ये गुरु चेयर अभी नहीं हुआ, 1.5 मिनट लेफ्ट। अबे गुरु 1 मिनट भी पूरा नहीं कर पाया, मैंने बोला ही था। हाँ तो बोला ही था मैंने, देखो नहीं है।
सॉरी यार आपका टॉय नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं है ना, ये बात भी ठीक है, वो तो बनाएगा ऐसा ना, नहीं तो हरे को देना पड़ जाएगा। वेटर पार्क पे हो गया, बढ़िया एंजॉय। अब हम लोग जा रहे हैं एम्यूजमेंट पार्क, मेरी फेवरेट जगह, और इसकी जुरा बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ध्यान रख लियो। मैं करने दूंगा जिसमें मेरे को इसमें सेटिस्फेक्शन होगी वो करने दूंगा, ठीक है ना? मैं वो करूंगा। हाँ ठीक है, चलो करेंगे अभी, चलो वो नहीं करने। मैं ये वाला करेगी है ना, ये कर ले अब, बड़े अलाउड नहीं है इसमें। वहां तो कुछ हुआ नहीं, यहाँ कुछ हुआ ना, मैं छोड़ूंगा नहीं पहले। टॉप तक अबे चल पड़ी, आदमी स्लिप हो जाता नीचे, अबे डर लग रहा है, अबे चल पड़ी। हुआ एंजॉय, बढ़िया था, कि मैं एंजॉय किया आपने, बहुत मजा आया आपको। हाँ मम्मा का बर्थडे, इस बर्थडे पे फोटो तो खिंचा लो। सबसे फर्स्ट बर्थडे विश तरन की है, मैंने अभी इंस्टा खोला, तरन में शेयर कर दो ना आप, बस वही करने लगे। तो भाई साहब 9 बज गए हैं, एंजॉय करके अब निकले, इतना एंजॉय किया ना, इतना एंजॉय किया, मजा आ गया। क्यों भाई? बहुत ज्यादा भी गया, एंजॉय भी बहुत। और पानी में एंजॉय तो किया भाई साहब ने, क्यों भैया? मजेदार था भाई साहब, वेव पूल से निकला ही नहीं बाहर, मतलब उनको गोवा की फीलिंग अभी भी चाहिए वेव वाली है ना। बाकी एक सबसे बढ़िया जो किस्सा हुआ ना यहाँ पे, वो हुआ जिशान के साथ में, चेंजिंग रूम में। क्यों भाई जिशान, क्या हुआ बता दो, मैं बताऊँ तू बताएगा? भाई साहब चेक करने गए हैं, ऊपर दरवाजे में कच्चा टांगा हुआ, कच्चा चोरी हो गया। कोई बात नहीं, किसी को जरूरत होगी ले गया, इशा तेरा बोल गया है। वो भी गीला कच्चा, बताओ यार। भाई साहब जूते चोरी होने सुनी, बड़ी चीज सुनी है, पर कच्चा चोरी होते पहली बार सुना है मैंने आज। गायब मेरा भी हुआ था, पर मेरा आगे मिल गया था जान, कोई बात नहीं, नया ले लियो। बहुत बढ़िया किस्सा हुआ ये जान के साथ आज। एंजॉय किया वाटर पार्क में? तो अब हम आए हैं लोनावला में, आए हैं खाना खाने के लिए, हल्का फुल्का खाएंगे। भाई साहब अब हम लोग लोनावला से खाना उना खा के निकले हैं, घर जा रहे हैं, यहाँ से एक घंटा घर जाने में लगेगा। बाकी दाढ़ी बूढ़ी देख लो पूरी खुली गई है ना, शक्ल हमारा बुध बना हुआ है, हाँ। पानी में जाओ तो ऐसे ही होता है, तैयार होने जगह तो वहाँ पे है नहीं। बच्चों फिर आप और क्या कर रहे हैं? बस
बस सोना है। तो ये एक्चुअली थी आज हमारी सिमरन की बर्थडे की प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और वो भी वाटर पार्क में। क्यों कल देखेंगे कुछ सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि भैया कह रहे थे कि हमने परसों सुबह सुबह 3 बजे निकल जाना है तो कल आप आराम करो। तो हमने कहा आज ही हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। सबने डिसाइड किया छुट्टी के दिन है, बच्चों को वाटर पार्क ले जाते हैं, उससे बढ़िया क्या सेलिब्रेट होगा। क्यों अभी बहुत मजा आया, लेकिन तो बच्चे भी खुश हो गए और सारे भी खुश हो गए, हमने भी बहुत अच्छा एंजॉय कर लिया। ईशान तेरे कच्चे की रिपोर्ट दर्ज कराई है? वो बोलते हमारा भी घूम गया था। अच्छा उसका भी घूम गया था, वो तेरा वो तेरा ले गया, शुगर कुछ और सामान नहीं ले गया। चलो बस अब जा रहे हैं हम लोग घर, घर जाके आपको फाइनल टाटा बाय बाय करेंगे। हाँ भाई एंजॉय हो गया, एंजॉय तो हो गया। ये भाई साहब को टांग को क्या हो गया, क्या हो गया तेरी टांग को? मैं सुना कुछ हुआ है टांग को? कुछ तो हो गया, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा क्या लगा। स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग हो गई है भाई। कौन सा महीना चल रहा है? महीना तो तीसरा तो पैर पे तो होती है, साल का तीसरा महीना है। साल का तीसरा महीना है, आधे घंटे बाद तो आपका बर्थडे है फिर, है ना। अभी हम लोग घर पहुंचे और आज थकावट इतनी ज्यादा हो गई ना, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ गए थे, जल्दी निकलना था, पर निकलते निकलते फिर भी 11 बज गए थे। और वाटर पार्क में आपको पता है स्विमिंग करके धूप में सारा दिन और अम्यूजमेंट पार्क जाके थकावट तो हो ही जाती है। तो बस अभी घर पहुंचे हैं, तो मैं एडिटिंग करूंगा, सिमरन का बर्थडे है अभी आधे पौने घंटे के बाद, तो केक तो अभी शायद नहीं काट पाएंगे क्योंकि हम सब लोग बाहर गए थे और केक ला नहीं पाए, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, बेकरी सब बंद हो गई है। तो कल सेलिब्रेट करेंगे सिमरन का बर्थडे, तो अभी इसको 12 बजे आते ही विश कर देंगे। तो बाकी आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो सकता है आप लोगों को इन्जॉय किया भी हो, सकता ना भी किया हो। अगर इन्जॉय किया हो आप लोगों ने तो लाइक का बटन दबाने में कोई पैसे नहीं लगते, लाइक दबा देना बस। मुझे लगता है कि जितना आप लाइक करते हो ना कि उतना आप लोग मुझे प्यार करते हो, तो लाइक का बटन दबा देना, अपना प्यार शेयर कर देना। बाकी आपको मेरे चैनल मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, सजेशंस देनी हो तो आप कमेंट पे भी अपनी सजेशंस दे सकते हो मुझे, तो कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करूँ ना, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजी होता हूँ रिप्लाई कर नहीं पाता। तो बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वो वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन दबाना और बेल आइकन का बटन दबाना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो वीडियोस को लाइक करते रहो, ऐसे ही हम कोशिश करेंगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे लाते रहेंगे। तो इस ब्लॉग को बस अब यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर आपको मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ नए दिन के साथ। अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।